यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है अमेरिका। पोलैंड विजिट के दौरान यूक्रेन में अमेरिकी शांति सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिका में मौजूद TV9 के टॉप सोर्सेस दे रहे हैं बड़ी खबर। यूक्रेन में अमेरिकी शांति सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं बाइडेन। यूक्रेन की सरप्राइज विजिट भी हो सकती है, यूक्रेन में सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं बाइडेन। यूक्रेन की सरप्राइज विजिट, और ये तो आपको मालूम ही है कि बोरिस जॉनसन जेलेंस्की से मिलने जाने वाले हैं, और यहाँ बाइडेन भी यूक्रेन की सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। अभी आपने ये भी देखा कि कैसे वो नेटो की उन कंट्रीज में जिनका बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ, वहाँ एक के बाद एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती वो करते जा रहे हैं, और ये बताता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने बदले हुए रुख के साथ भी नजर आ सकता है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बाइडेन का ये दौरा एक गेम चेंजर दौरा हो सकता है, और क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। रूस यूक्रेन जंग पर निर्णायक मूड में आ चुका है अमेरिका। यूएस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का मन बनाया है, और शांति सेना के नाम पर यूक्रेन में तैनाती के मूड में है बाइडेन। यूक्रेन में अमेरिकी सेना के साथ वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तय समझिए। पुतिन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक भी चल सकते हैं बाइडेन। यूरोप विजिट के दौरान यूक्रेन भी जा सकते हैं जो बाइडेन, और अगर बाइडेन यूक्रेन पहुंचते हैं, बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचते हैं, तो इसका क्या मैसेज होगा, इसका क्या असर होगा। आइए सीधे जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। जनरल सुधाकर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। सर, अभी तक कमला हैरिस, लॉयड ऑस्टिन, स्टोल्टनबर्ग, ये तमाम लोग गए, लेकिन बाइडेन अब यूरोप विजिट पर जा रहे हैं, पोलैंड जा सकते हैं, पोलैंड जाएंगे, नेटो हेडक्वार्टर जाएंगे, और वो यूक्रेन भी जा सकते हैं, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? गौरव, सबसे पहले धन्यवाद, एंड TV9 को मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि नंबर वन हिंदी चैनल शुक्रिया सर जज हुआ है। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल की जवाब सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये जितने वेस्टर्न नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके ये जो अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोवोकेशन टाइम टू टाइम, डे टू डे बढ़ाते जा रहे हैं, किसी का प्रयास उनके तरफ से नहीं है कि शांति किस तरफ स्थापना हो सकता है। ये एक विश्व कह रहे हैं सर कि शांति के नाम पे जो सेना यूक्रेन भेजी जा सकती है वो शांति नहीं लाएगी, बल्कि और आग में घी का काम करेगी। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जो कह रहे हैं, ये तो आग में घी डालने वाली बात है। अब मेरे विचार में अगर कुछ है, सेरिब्रल एक्यूमन है अमेरिका का सोच विचार, आज के दिन में मैं ये समझता हूँ ये एक सुपर पावर है। ना इनका कोई विजन है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई मिशन है। देखिए, अफगानिस्तान का क्या उदाहरण रहा, उससे पहले भी कोई भी मिसाल ले लीजिए, कोई भी एक उदाहरण दीजिए जहां पे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सुधाकर सर कि अमेरिका किस बात का सुपर पावर अगर उसके पास ना विजन है, ना मिशन है, ना कोई स्ट्रेटजी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।